ये देखें ख़राब हो जाता है ये, इसको आप जब सफाई वगैरह करते हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। कॉटन का इसमें तेल लगी हुई होती है, एसिड वॉश की वजह से ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह से जो इसमें सिरेमिक होता है, ब्लॉक होता है, वो डैमेज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मसले आने शुरू हो जाते हैं। ये देखें ये इसका कैटेडी कन्वर्टर जो है ये डैमेज हुआ, ब्लॉक हुआ हुआ था, किसी ने इसको एसिड वॉश किया। जिस तरह शेद का छत्ता होता है, शेद का छत्ता होता है बिल्कुल, ये इसके ऊपर ही होता है कि नॉर्मली हमारा जिस तरह पेट्रोल चल रहा है उसके ऊपर इतने ज़्यादा ज़र्रात आ जाते हैं, उसमें डस्ट आलूद पेट्रोल है कि उस वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको ना ये डैमेज हो जाते हैं। तो मसला इसमें आने लग जाता है कि ये ब्लॉकेज हो रही है, गाड़ी की फ्यूल माइलेज गिरने लग गई है, गाड़ी में घुटन हो रही है। इसमें कि आपको ब्रांड न्यू डब्बा पैक कैटेडी कन्वर्टर मिल जाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी इंशाल्लाह। और इन तमाम कैटेडी की हम 3 मंथ की मनी बैक वारंटी होती है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। उनको ये होता है कि लोग एसिड वॉश करते हैं जिससे वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मली उसे सही तरीके से इसको वॉश करवाएं, रिजल्ट उसका बेहतरीन रखें, प्रॉपर उसका हेल्थ का ख्याल रखें, तो वो ख़राब नहीं होंगे, हमें चेंज कराने की नौबत नहीं आएगी। बेस्ट क्वालिटी के ऊपर बना हुआ है और ये RX2 के नाम से एक केमिकल आता है, ये इस्लामाबाद से इंपोर्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में ये बहुत इजीली मिल जाता है। ये नॉर्मली एक हमने एक अपना केमिकल बनाया हुआ है, इसमें यह कि हम तीनों केमिकल मिक्स करके एक इसका प्रोसीजर बना के उसको करते हैं, जिस इसके ये पाइप सलेंसर में लगे लगे ही इसको हम नॉर्मली साफ़ कर सकते हैं। इसको कैटलिक को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्टार्टिंग शुरू होता है और एंड में जाके इसका सारा कार्बन निकल जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है तिशाम जंजुआ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा मंजिल मानी सलेंसर पर। यहाँ आने का मकसद ये है कि पिछली वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तिशाम भाई आपने न्यू कैटलिटिक कन्वर्टर तो हमारे साथ शेयर कर दिए, लेकिन अगर हमारी पुरानी गाड़ी में जो कैटलिटिक कन्वर्टर आते हैं अगर हमें उसकी क्लीनिंग करवानी है तो क्लीनिंग किस तरीके से होगी? तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ही यही हमने रखा है कि हम आपको आज दिखाएंगे कि इनके जो अपने केमिकल्स होते हैं उससे किस तरीके से सफाई होती है, और जो इनके मार्केट के जो आपको पता है कि मार्केट में इस तरह की बॉटल्स वगैरह सेल हो रही होती हैं उसकी भी हम आपको क्वालिटी दिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको ओरिजिनल दिखाए थे कैटलिटिक कन्वर्टर टोयोटा करोला के, कुछ आपको हमने काबली दिखाए थे, उसके अलावा हमने आपको सुजुकी के कैटलिटिक कन्वर्टर दिखाए थे। इसके अलावा अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों के सिलेंसर्स की, वो हमने वीडियोस दिखाई थी आप लोगों के साथ, तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे मानी भाई। मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह पाक। मानी सबसे पहले बताएं रिस्पांस कैसा आ रहा है? माशाल्लाह बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है, बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अच्छा, तो ये बता दें कि आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा पिछली वीडियो का भी बता दें और आज की इस वीडियो में। हमने अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो तमाम ब्रांड न्यू कैटलिटिक के लिए बनाई थी, कैटलिटिक कन्वर्टर किस तरह के होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं और मुख्तलिफ रेंज बताई थी। तो देखें नॉर्मली ये होता है कि हमने कैटलिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में इंस्टॉल हुए हुए आते हैं, लगे हुए आते हैं, अगर उनको ये होता है कि लोग एसिड वॉश करते हैं जिससे वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मली उसे सही तरीके से इसको वॉश करवाएं, रिजल्ट उसका बेहतरीन रखें, प्रॉपर उसका हेल्थ का ख्याल रखें, तो वो ख़राब नहीं होंगे, हमें चेंज कराने की नौबत नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो बिस्मिल्लाह करते हैं व्यूवर्स को। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं तो उसको मैक्सिमम उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को ये वीडियो काम आ जाएगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एड्रेस बता दो, बड़ी मसला होता है हर वीडियो में ना एड्रेस का। हमारा जो एड्रेस है मेन आशा मंजिल मुक्का चौक के पास डायमंड सुपर मार्ट के अपोजिट साइड अकबर टॉस के बिल्कुल सामने, औरंगजेब मानी सलंतर के नाम से शॉप है। ठीक हो गया, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मानी भाई सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट दिखाएंगे हमें? देखिए ये हमारी कैटलिक साफ करने की मशीन है। नॉर्मली ये होता है कि कैटलिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो लगे लगे हम साफ कर देते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर की जाली होती है वो इस तरह की जाली होती है बिल्कुल, जिस तरह शेद का छत्ता होता है, शेद का छत्ता होता है बिल्कुल, ये इसके ऊपर ही होता है कि नॉर्मली हमारा जिस तरह पेट्रोल चल रहा है उसके ऊपर इतने ज़्यादा ज़र्रात आ जाते हैं, उसमें डस्ट आलूद पेट्रोल है कि उस वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको ना ये डैमेज हो जाते हैं। तो मसला इसमें आने लग जाता है कि ये ब्लॉकेज हो रही है, गाड़ी की फ्यूल माइलेज गिरने लग गई है, गाड़ी में घुटन हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहता है। तो इसको होता है कि लोग एसिड वॉश की तरफ जाते हैं। जब इसको नॉर्मली कोई एसिड वॉश करता है तो आपको मैं इसके बराबर में दिखाता चलूँ, ये कॉटन का इसमें तेल लगी हुई होती है, एसिड वॉश की वजह से ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की वजह से जो इसमें सिरेमिक होता है, ब्लॉक होता है, वो डैमेज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मसले आने शुरू हो जाते हैं। ये देखें ये इसका कैटलिटिक कन्वर्टर जो है ये डैमेज हुआ ब्लॉक हुआ हुआ था, किसी ने इसको एसिड वॉश किया, ये टूटा नहीं है, इसने अपनी जगह ही क्रॉस कर दी, ख़त्म कर दी, लेकिन ये हिल हिल के अपना ख़राब हो गया और मसले इसमें आने लग गए। ठीक हो गया, और जब ये साफ़ होता है तो ऐसा हो जाता है ये? देखें ब्रांड न्यू है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये मेन मकसद क्या होता है इसका, ये बना हुआ किस तरह ऐसा होता है? ये देखें ख़राब हो जाता है ये, इसको आप जब सफाई वगैरह करते हैं
तो वो बिल्कुल ये बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। तो इसके लिए ये कि प्रॉपर हमने मशीनें लगाई हुई हैं प्रॉपर। क्या चीज़ है ये? इसका ये कि डैमेज हुआ हुआ होता है, जो ब्लॉक हुआ होता है तो वो नॉर्मली इस तरह ब्लॉक हो जाते हैं। अब देखिए नॉर्मली ये चलाते रहे, कस्टमर चलाते रहे, जिसके बाद इसकी जो पॉइंट्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, नॉर्मली इस तरह सुराख होते हैं इसके। देखें इसके सुराख जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए, जो कि इसके लिए मसला एक बनता जा रहा है। जब इसमें केमिकल डालेंगे तो ये खुल जाएगा? जी, केमिकल डालते हैं तो खुल जाता है। इसके लिए कि अब हमने मुख्तलिफ कंपनी के केमिकल्स का पहले इस्तेमाल किया। अच्छा। एक नॉर्मली हम काम जब से कर रहे आ रहे मशीनें की, तो नॉर्मली हम केमिकल इस्तेमाल करते रहे कि केमिकल कौन सा बेस्ट आता है। तो इसी हवाले से हमने जो हमारी हमारा जो रिसेप्शन के मुताबिक कि हमारा ये एक केटा वॉश का केमिकल है, ये बेस्ट क्वालिटी के ऊपर बना हुआ है, और ये RX2 के नाम से एक केमिकल आता है, ये इस्लामाबाद से इम्पोर्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में ये बहुत ईजिली मिल जाता है, ये वहाँ से। इसमें यह है कि ये भी बेस्ट क्वालिटी के ऊपर है, ये केटा वॉश का है, ये बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर बना होता है। ठीक हो गया। इस तरह ये RX2 का, ये भी बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर है। अब हमारा जो प्रोसीजर है इसमें देखें कि हमने अपने क्वालिटी का बनाया हुआ केमिकल, ये नॉर्मली एक हमने एक अपना केमिकल बनाया हुआ है। इसमें यह है कि हम तीनों केमिकल मिक्स करके एक इसका प्रोसीजर बना के उसको करते हैं, जिससे ये होता है कि ये बेस्ट तरीके से वॉश हो जाता है। सही हो गया। और कैटेटिक कन्वर्टर का जो होता है डैमेज भी नहीं होता, और इसका 100% हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इसके चार्जेस वगैरह बताएंगे या यहाँ पे जब विजिट करेंगे? देखिए नॉर्मली ये है कि जो 660 cc गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये है कि 2500 रुपये चार्जेस हैं, जो इससे अबव गाड़ी है जिस तरह 1000 cc उसके लिए 300। ठीक है। और जो 3000 रुपये चार्जेस हैं प्राडो वगैरह की, ये कि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, हर गाड़ी का उसका मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ तरीके से उसको होता है, उसमें ये है कि उसके अलग है। नॉर्मली ये होता है जो इसमें जो कैटलिक का जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है 660 cc में आ रहा होता है, इंजन छोटे होते हैं, हम पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसमें यह कि AC के इस्तेमाल के बाद गाड़ी में घुटन आना शुरू हो जाता है। सही हो गया। तो उसके लिए कि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है उसी का आता है। उसकी जो भी काम करते हैं वो मशीन से करते हैं? जी, ये इसकी प्रॉपर मशीन से इसकी क्लीनिंग होती है। और जो होती कैसे क्लीनिंग है? ये इसका जो है सिलेंसर लगे ही ना। अच्छा, पीछे है इसके सिलेंसर। अच्छा, इसके ये पाइप सलेंसर में लगे ही इसको हम नॉर्मली साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको कैटलिक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्टार्टिंग शुरू होता है और एंड में जाके इसका सारा कार्बन निकल जाता है। अच्छा। जो कि इसकी क्वालिटी और कैटलिक की क्वालिटी और मैार को बरकरार रखता है। अच्छा। सबसे पहले हम ये कैटलिक के अंदर की जाली को देखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हर कस्टमर के जहन में होता है कि कैटलिक हमारा ब्लॉक है, इसकी वजह से एवरी डाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें इशू आ रहे होते हैं, तो इसमें ये है कि सबसे पहले हम केटली की कंडीशन को देखते हैं कि उसमें वॉश करने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर होता है कि अब हर दुकान हर लोगों की तरह हम भी अगर वॉश करने लग जाए तो उनमें हमें क्या फ़र्क रहेगा। सही है। अच्छा, तो ये बता दें कि गाड़ी यहाँ लानी पड़ेगी या आप उनके घर पर? इसके लिए ये कि गाड़ी लानी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप लेके कहीं जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गाड़ी यहाँ लानी पड़ेगी आपको। जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे? और क्या क्या चीज़ होती हैं? देखिए हमारे पास जो है हर गाड़ी के कैटेटिक कन्वर्टर की रेंज मौजूद होती है, हर किस्म के आपको ब्रांड न्यू डब्बा पे कैटेटिक कन्वर्टर मिल जाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी इंशाल्लाह। और इन तमाम कैटलिक की हम 3 मंथ की मनी बैक वारंटी होती है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी। चले, ठीक हो गया मानी भाई। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको मैक्सिमम दूसरे शेयर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अल्लाह।